ऑल टुडे आई एम ट्रेना एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। सो आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। यस गाइज, आप भी काफी दिनों से जो है मुझे इसी तरीके के हेयर कट में नोटिस कर रहे हो, है ना? तो गाइज, रिसेंटली जो है मैंने अपने हेयर चॉप करवाए हैं, तो चलिए शेयर करूंगी ईच एंड एवरी डिटेल रिलेटिंग टू माय हेयर। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हिट लाइक जरूर करना इस वीडियो को। तो चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो गाइज, कुछ टाइम पहले ना मैंने अपने हेयर में एक केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था, तो उस टाइम पे जो है मेरे हेयर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, मतलब इतने ज्यादा स्मूथ लग रहे थे और बहुत ज्यादा हेल्दी भी नजर आ रहे थे और बहुत सिल्की स्ट्रेट शाइनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मेरे हेयर के साथ में जो भी हो रही थी आई लव्ड इट ऑल। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना फ्रेंड्स, तो मेरे हेयर जो है बहुत ज्यादा फ्रिजी हो गए, ब्रेकेज बहुत ज्यादा होने लगा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगा, मतलब मैं इतना ज्यादा परेशान आ गई। तो मैंने सोचा एट लास्ट दैट आई हैव टू चॉप माई हेयर आउट। तो इसी वजह से मैंने जो है अपने हेयर चॉप करवाए अभी मेरी बर्थडे पे। तो यस, आपको अभी मैं इन्हीं हेयर में नजर आ रही हूँ। हाउ डज माई हेयर लुक लाइक, प्लीज कॉमेंट बिलो कि मेरे जो शॉर्ट हेयर हैं वो अभी आपको कैसे लग रहे हैं। एंड नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ आई विल मैनेज दीज हेयर्स नाउ। सो गाइज, मैंने हमेशा आपको बोला है कि लेंथ इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मतलब अपने बालों की जो लेंथ है वो इतनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, बट आपके हेयर की जो हेल्थ है दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब आपके जो हेयर हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए, लस्ट्रस होने चाहिए, ना कि लंबे हैं बट रूखे सूखे बेजान से नजर आ रहे हैं। तो लेट मी शेयर विद यू ऑल दैट व्हाट शैम्पू एंड व्हाट कंडीशनर आई एम यूजिंग दीज डेज। सो टडा, हेयर आर दीज शैम्पू, ममा अर्थ आलमंड शैम्पू एंड ममा अर्थ आलमंड कंडीशनर, आप देख सकते हो। सो ये बोथ प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग दीज डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज ममा अर्थ आलमंड शैम्पू विद कोल्ड प्रेस्ड आलमंड ऑयल एंड वाइटमिन ई। सो गाइज, जो विंटर्स है उसमें आपका फेवरेट इन्ग्रीडियंट होना चाहिए आलमंड ऑयल। यस, अगर आप आलमंड ऑयल जो है अपने बालों पर लगाते हो, स्किन पे भी लगाते हो, तो वो बहुत ही अच्छे से नरिश रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, और एक जो है उसमें लस्ट्रसनेस शाइनिंगनेस बरकरार रहती है। तो गाइज, ये जो आलमंड होता है ना, इसमें जो है फैटी एसिड्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जिससे कि आपके बाल जो है बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आते हैं। तो दीज डेज आई एम यूजिंग दिस शैम्पू एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑन टू माई हेयर। तो जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया है, मैं यूज कर रही हूँ ये वाला शैम्पू, मुझे आजकल काफी अच्छा लग रहा है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो है आपका स्कैल्प भी हेल्दी बना के रखता है। अगर आपके कुछ भी डेंड्रफ वगैरह की भी प्रॉब्लम हो रही है, विंटर्स में डेंड्रफ की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है बिकॉज वी यूज हॉट वाटर, सो यस, इसकी वजह से ये जो है आपके स्कैल्प को हेल्दी भी बना के चलेगा, साथ ही साथ आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से क्लेंस कर देता है। अगर आपने कोई ऑयल लगाया है तो वो जो ऑयल है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। इसके बाद में गाइज, Why I love this product because it is made up of all the natural ingredients. मतलब इसमें harmful chemicals mix नहीं करे गए हैं। सो गाइज, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द हेल्दी हेयर ग्रोथ। आप देख सकते हो हेल्दी हेयर ग्रोथ यहाँ पर भी मैंशन है। सो आई लव दिस थिंग गाइज, कि आपके हेयर जो है हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है बजाय लॉन्ग। तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी चीज लगी। अच्छा, अब मैं इसको हमेशा आपको रेकमेंड क्यों करती हूँ ममा अर्थ के प्रोडक्ट, बिकॉज दीज आर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, सो यू शुड सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट। आई रियली सपोर्ट हैशटैग वोकल फॉर लोकल, एंड ऑल्सो दीज आर पैराबेंस फ्री, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड फॉर ऑल द हेयर टाइप्स यू गाइज। सो नाउ गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशनर। तो कंडीशनर भी मैं सेम ही रेंज का यूज कर रही हूँ ऑफकोर्स, विच इज ममा अर्थ आलमंड कंडीशनर, आप देख सकते हो। इसमें भी जो है बहुत ही बढ़िया से इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जैसे कि पहले तो मैंने आपको बताया कोल्ड प्रेस्ड आलमंड ऑयल है, साथ ही साथ इसमें वाइटामिन ई भी दिया गया है। तो वाइटामिन ई भी आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और क्या करेगा ये, जो है आपके ब्रेकेज को कंट्रोल करता है। अगर आपके हेयर जो है बीच बीच में से टूट रहे हैं ना, ब्रेकेज हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करेगा। अगर आपके स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं तो उसको भी ये रिमूव करता है। स्प्लिट एंड से हमारे हेयर जो है बहुत ज्यादा डैमेज नजर आते हैं, बहुत ज्यादा रफ भी लगते हैं, तो एक शाइनीनेस लस्ट्रसनेस उसमें नजर नहीं आती। अगर आप ये वाला जो कंडीशनर है उसको यूज करोगे तो आपके हेयर में एक शाइनीनेस भी नजर आएगी। ओके गाइस, तो ये तो सारी बातें हो गई शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में। अभी मैं आपको बता दूं कि विंटर्स में आपको डायरेक्टली शैम्पू और कंडीशनर कभी भी यूज नहीं करना है, नो नो नो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों में हेयर ऑयल अप्लाई करना है।
अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हो, लाइक अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग वुमन हो, वर्किंग गर्ल हो, कॉलेज गर्ल हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि जब आप शैम्पू करने जाओ उसे 1 आवर या 2 आवर पहले जो है अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर लो, उसके बाद में शैम्पू कर लो. दैट इज मच मोर इनफ, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा ये तो. लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फ्री, तो आप क्या करो कि सैटरडे नाइट में जो है अपने बालों में ऑयल लगा लो बहुत ही बढ़िया से, और रात भर जो है अपने बालों को ऑयल में रखो एंड मॉर्निंग में शैम्पू करो. नाउ लेट मी शो यू व्हाट आई यूज. सो आई यूज दिस मामा अर्थ आलमंड हेयर ऑयल. सो दिस ऑल्सो कम्स विद कोल्ड प्रेस्ड आलमंड ऑयल एंड वाइटामिन ई. तो ये दोनों ही इंग्रीडियंट्स के साथ में आ जाता है, जो कि आपके बालों के लिए अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है. Now let me show you its packaging. So its packaging is like this, overall cardboard type की packaging है. Then when we open from here, so यहाँ पर हमको मिल जाता है एक comb neck. तो ये है comb neck guys. तो इसके through जो है application बहुत ज्यादा easy हो जाता है. आप जस्ट इसकी नेक में लगाओ बॉटल में एंड देन अपने हेयर पे अप्लाई करो. इट मेक्स इट वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली. ओके, देन इसमें से जो बॉटल हमें मिलती है वो ये है गाइस. तो हेयर कम्स द हेयर ऑयल बॉटल. आप देख सकते हो कितनी छोटी क्यूट सी प्यारी सी बॉटल है एंड बहुत ही ज्यादा हैंडी है. आप डायरेक्टली यहां से भी ऑयल अपने बालों में लगा सकते हो. इफ यू डू नॉट वॉन्ट योर हेयर टू बी वेरी वेरी यू नो स्टिकी, तो आप इस बॉटल नेक को भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका हेयर रूट तक स्टिमुलेट होगा हेयर ऑयल और आपके रूट से नीचे पेनिट्रेट करके जाएगा और आपके बालों को बहुत ही बढ़िया सा बना देगा. तो सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ऑयल की पता है क्या लगती है, दैट इट प्रिवेंट्स प्री मैच्योर ग्रेइंग. यस गाइज, प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम किसको नहीं होती. आजकल हर एक लड़की को देख लो, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो ही जा रही है. मतलब फ्रंट में नहीं होंगे तो आप ऐसे करके ढूंढ के निकाल लो, एक दो बाल तो ग्रे दिख ही जाएंगे हर एक गर्ल के. तो ये उससे भी आपको प्रिवेंट करता है. मतलब अभी से आप लगाना चालू करो तो आपकी ग्रेइंग जो है बहुत ज्यादा रुक जाती है. इसकी इंग्रीडियंट्स लिस्ट में आपको बता देती हूँ. इसमें बहुत ही वंडरफुल से ऑयल मिक्सअप करे गए हैं, जैसे कि आलमंड ऑयल मैंने आपको बताया था, इसमें जोहोबा ऑयल भी मिक्स किया गया है, सनफ्लावर सीड ऑयल भी मिक्स किया गया है, एवोकाडो ऑयल है, इसमें विटामिन ई है, कैस्टर ऑयल है एंड व्हाट नॉट. मतलब इसमें सारे ही वंडरफुल ऑयल्स मिक्स करे गए हैं. और फिर आप जब अपने बालों में लगाओगे, इट विल गिव यू द फुल नरिशमेंट ऑफ ऑल द ऑयल्स. ओके, तो ये तीनों का कॉम्बो यूज करके देखो आप, आपके हेयर जो हैं बहुत ज्यादा मस्त हो जाने वाले हैं. इसके जो सारे के लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, बिल्कुल चेकआउट कर लो. और अगर आप ये वाला मेरा कूपन कोड है वो mamaearth.in पे अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 20% ऑफ. नाउ लेट मी टेल यू दैट दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल अवेलेबल ऑन Amazon, नायका, mamaearth और mamaearth की ऐप पर भी और purple.com पर भी. ऐप के बारे में बता दूं आपको कि ममा अर्थ हैज लॉन्च्ड इट्स ऑफिशियल ऐप, जहां पर जो है यूजर्स को मिलता है अर्ली एक्सेस टू ऑल द सेल्स एंड ऑल द डिस्काउंट्स. सो यस गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो अबाउट माय हेयर केयर स्टोरी एंड अबाउट माय हेयर कट स्टोरी. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक जरूर करना इस वीडियो को. मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. आई शैल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश. बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय.